हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पनीर के पराठे की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो शुरू करते हैं। ये हमने पनीर 300 ग्राम लिया है, इसका हम स्टफिंग बनाएंगे। पहले इसमें मसाले ऐड करेंगे, जीरा पाउडर थोड़ा सा, काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा, और इसे इस तरह से मैश कर देंगे हाथों से और अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को। और फिर इसमें ऐड करेंगे एक आधा नींबू का जूस, नमक स्वाद अनुसार, कटी हुई प्याज, अदरक लहसुन हरी मिर्ची कटी हुई, सबको एक साथ मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें धनिया पत्ता भी मिला देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा अजवाइन और काला जीरा और मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसका स्टफिंग तैयार कर लेंगे। अब इसे रख देंगे। आटा लेंगे हम, आटा का डो बनाएंगे, आटा को गूंद लेंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे एक बड़े चम्मच, अजवाइन, काला जीरा, थोड़ा सा नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसका हम डो बना लेंगे। ये हमारा डो तैयार हो चुका है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल मुलायम होना चाहिए। अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं और फिर हम पनीर को ले लेंगे, इसका इस तरह से गोला बना लेंगे। इसी तरह हम सारे पनीर के गोले बना देंगे और आटे की लोई बनाकर उसके अंदर भर देंगे इस तरह से। पनीर के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं अगर अच्छे से बनाए जाएं। अच्छे से इसको ज्वाइंट करके ऊपर का आटा हटा देंगे और हल्के हाथों से इसे इस तरह से कर देंगे कि बेलने में आसानी होगी और फिर इसे हल्के बेलन से बेलेंगे, टाइट बेलन नहीं चलाएंगे, नहीं तो फटकर स्टफिंग बाहर आ जाएंगे। अब इसे हम तवे में डालेंगे, तवा हमारा गर्म है और पराठा हम डाल देंगे। इसी तरह एक एक करके हम सारा पराठा बना लेंगे। एक तरफ से सिक चुका है, पलट देंगे। इसमें हम घी लगाएंगे, आपके पास जो अवेलेबल हो तेल भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा पराठा रेडी हो चुका है, इसी तरह हम सारा पराठा बना लेंगे। इसी तरह हम दूसरा भी बनाएंगे। तो ये हमने सारे पराठे बना लिए, तो अभी से हम सर्व कर सकते हैं हरी धनिया की चटनी, टमाटो केचप के साथ, दही के साथ। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।